मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी से। दरअसल एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया और चुनाव में बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने अच्छी खासी सीटें निकाली और इतना ही नहीं, गुजरात में जो निकाय चुनाव हुए उसमें अच्छी खासी सीटें निकाली। अब ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की नजर बंगाल पर भी है और तमिलनाडु पर भी है। बंगाल में भी वो अपनी सीट तलाश रहे हैं और तमिलनाडु में भी सीट तलाश रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी जो कदम उठा रहे हैं उसमें उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है और असदुद्दीन ओवैसी गेम चेंजर बन रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी पूरी राजनीति जो है उसको ही पलट कर रख दे रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी के इस कदम से जो वोट प्रतिशत है वो अन्य राजनीतिक पार्टियों का घट रहा है और इससे असदुद्दीन ओवैसी को फायदा मिल रहा है। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है इनके वोट शेयर बढ़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो बड़े लेवल पर आती हुई दिखाई दे रही है और इनका जो रणनीति है इससे जो अन्य राजनीतिक पार्टी उनको नुकसान हो रहा है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी को ज़्यादातर वोट मुस्लिम वोट मिलते हैं और मुस्लिम वोट की मैं बात करूँ तो बंगाल में मुस्लिम वोट सबसे ज़्यादा टीएमसी के पास पहले आया करते थे। हालांकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने अपनी पार्टी बनाई तो ऐसे में ये चीज़ें भी बातें सामने आने लगी कि अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को मुस्लिम वोट मिलेंगे। लेकिन खबरें जो हैं वो फिलहाल तो इतनी मेरे पास जो है वो ये सामने आई हैं जो बता रही हैं कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को भी इतना फायदा नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है जितना असदुद्दीन ओवैसी को मिल रहा है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर बंगाल में भी अपना जादू चला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को बंगाल में फायदा हो रहा है और तमिलनाडु में भी फायदा हो सकता है क्योंकि एक समय था जब असदुद्दीन ओवैसी अन्य राज्यों में चुनाव लड़ते थे, उनकी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होते थे तो उनकी जमानत तक जब्त हो जाती थी, वो चुनाव उनके पार्टी के उम्मीदवार वहां से चुनाव हार जाते थे। लेकिन वक्त बदला, राजनीति में जब वक्त बदलता है तो अच्छे अच्छे नेता जो हैं उनको झटका भी लगता है और ऐसे ऐसे राजनीतिक पार्टी के नेता होते हैं जिनको उम्मीद नहीं जताई जाती उनको अच्छे खासे वोट मिल जाते हैं। तो ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जो सिर्फ हैदराबाद तक सीमित थे, हैदराबाद में जहां उनका डंका बजता था, लेकिन अब लग रहा है कि पूरे देश में जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां पर डंका बजने वाला है। क्योंकि मैं बात कर रहा था बिहार की, उदाहरण भी मैं आपको दे रहा हूं बाकायदा। बिहार में कमाल किया असदुद्दीन ओवैसी ने, गुजरात में निकाय चुनाव हुए वहां पर अच्छी खासी सीटें निकाली, बंगाल में भी चुनाव है, इस साल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और बंगाल चुनाव में भी ओवैसी को फायदा मिल सकता है, खबरें ये बता रही हैं। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी के हाथ मुस्लिम वोट बैंक लग चुका है और मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की ये रणनीति बिल्कुल यहाँ पर कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में ये चीजों की अगर मैं बात करूं तो वाकई में ये चीजें बताती हैं कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के लिए ये जो चुनाव है ये फायदेमंद साबित हो सकता है। और फायदेमंद अगर असदुद्दीन ओवैसी के लिए होता है तो ये सारी चीजें नजर आती हैं कि वाकई में किस तरह से जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनको चुनाव में फायदा हो रहा है और उनके वोट प्रतिशत जो है वो भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान अन्य राजनीतिक पार्टियों को हो रहा है। बंगाल में किसको हो रहा है, मैंने आपको बताया कि मुस्लिम वोट अगर बढ़ते हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान ममता बनर्जी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को होगा। तमिलनाडु की तरफ चलते हैं तो तमिलनाडु में भी बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें मुस्लिम वोट बैंक पड़ते थे, लेकिन अब वो मुस्लिम वोट बैंक बट रहे हैं क्योंकि ओवैसी की एंट्री तमिलनाडु में हो रही है। तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी चुनावों को ध्यान में रखते हुए बकायदा कोशिशें कर रहे हैं और बकायदा चुनाव में एंट्री कर रहे हैं, चुनाव से पहले माहौल बना देते हैं, मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर देते हैं और ये चीज़ें बता रही हैं कि वाकई में असदुद्दीन ओवैसी की जो कोशिशें हैं वो कितनी कामयाब हो रही हैं ये इन चीज़ों से पता चलता है। तो फिलहाल आगे देखने को मिलेगा कि असदुद्दीन ओवैसी का जादू और कब तक चलेगा और कितने उन्हें फ़ायदे होंगे वोट बैंक में। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।